कैसे हैं? तो एसएससी फेज 8 अभी मैंने कुछ दिन पहले सभी रीजन का जो रिजल्ट स्टेटस है, किस रीजन में क्या चल रहा है, किस पोस्ट का स्क्रूटनी रिजल्ट, फाइनल ओके लिस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट कट ऑफ, ये सब कुछ डिटेल शेयर की थी और अराउंड 20 डेज के अप्रोक्स कुछ हो चुका है। तो अभी आप सभी लोग बहुत सारे कॉमेंट्स मिलते हैं तो हर एक का रिप्लाई करना, डिटेल चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं एक सभी रीजन का रिजल्ट स्टेटस इस वीडियो में बता देता हूँ कि रीजन वाइज क्या चल रहा है, ठीक है, सभी पोस्ट का जो भी एडिशनल था सब कुछ। तो ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूं, ये जो आपका पोस्ट है, ये जो है आपका एडिशनल रिजल्ट आया था इसका, और बाकी की ये जो यहाँ पर पोस्ट दे रखी है जो रेड कलर में आपको दिख रही है, इनका एडिशनल रिजल्ट आया था, ठीक है, और इनके एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ये जो पोस्ट है इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं और इनमें कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिला भी नहीं था जो एडिशनल रिजल्ट आया था। फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग 15 पोस्ट के फाइनल रिजल्ट अभी ईस्टर्न रीजन ने दे दिए हैं। आज ही दो पोस्ट के आए हैं, अभी दो तीन दिन पहले एक रिजल्ट आया था। तो ओवरऑल यही चल रहा है कि डेली आपके एक दो पोस्ट के ऐसे ही अभी में 4-5 रिजल्ट मिल रहे हैं और जल्द ही आपको ईस्टर्न रीजन से और भी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक अपडेट आएगा डेफिनेटली। सो लगभग 41 पोस्ट हैं जिनका रिजल्ट आना है, जिसमें से 15 का आ चुका है। आपका कोई भी पोस्ट कोड हो जिससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, उसका मैं रिजल्ट, आप देख रहे हैं इस तरीके से डेटा मेंटेन किया हुआ है तो उसमें से मेरे लिए बहुत आसान होता है रिप्लाई करना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं केकेआर रीजन की बात करूं तो आप देख सकते हैं 14 पोस्ट थी, 14 का स्क्रूटनी हुआ, इसके बाद एक पोस्ट कैंसिल भी हो गई है, ठीक है, ये देख सकते हैं, और 13 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। कुछ पोस्ट ऐसे भी थे जिनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, वैकेंसी वैकेंट रहेगी इनकी एडिशनल रिजल्ट में भी, ठीक है। उसके बाद 10 पोस्ट के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। आज जो है ये जो 5 पोस्ट हैं, इन पोस्ट का एक नॉमिनेशन स्टेटस इन्होंने शो किया हुआ है, तो उसमें बाकी सभी कैंडिडेट का और डिटेल दिया है, और इससे पहले कुछ पोस्ट का ऑलरेडी ये रिजल्ट आ चुका था जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट ही इनको नहीं मिले थे। तो लगभग केकेआर रीजन में 2-3 पोस्ट और बची है जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। सदर रीजन की मैं बात करूं, 9 पोस्ट थी, 9 पोस्ट में से 9 पोस्ट का पहले ही स्क्रूटनी हो चुका था, उसके बाद 2 पोस्ट पे इन्होंने एडिशनल रिजल्ट लिया था जिनका एडिशनल रिजल्ट 30 मई को पब्लिश हुआ था, और यहां पर ये 2 पोस्ट है ये पोस्ट कैंसिल हो गई है, ठीक है, और इसमें कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, और ये जो पोस्ट है इनके जो है फाइनल लिस्ट भी आई थिंक आ चुकी है, जो भी यहाँ पर ये दिया हुआ है फाइनल लिस्ट आ चुकी है इनकी, और इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आना बाकी है, ठीक है, जैसे ही आएगा मैं अपडेट शेयर कर दूंगा। 2 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है इस रीजन से, और काफी अच्छा कट ऑफ किया था इसमें, काफी अच्छा मतलब बहुत ज्यादा ही कट ऑफ किया था, ऐसा जो डिटेल मैंने पहले शेयर किया था। अगर मैं एनआर रीजन की बात करूं, 13 पोस्ट थे, इस पोस्ट का एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है, बाकी सभी पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और इस रीजन में अब बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट का मुझे कुछ अपडेट आता है, क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट करता रहता हूँ कंसर्न रीजन से, तो मैं अपडेट जल्दी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप देख रहे हैं चाहे फेज 8 हो, 9 हो, 10 हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसी तरीके से मैं सबका रिकॉर्ड मतलब डेटा मेंटेन करके रख रहा हूँ और जो भी रिलेवेंट चीजें होती है वो आप लोगों के साथ टाइमली मैं शेयर करता रहता हूँ। वेस्टर्न रीजन की अगर बात करूं, 25 पोस्ट हैं, ये जो ग्रीन कलर की पोस्ट हैं इनका एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ था, ये पोस्ट कैंसिल भी हो चुकी हैं, यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं, ठीक है, और अगर मैं फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट की बात करूं तो लगभग आपके 23 पोस्ट के फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट हो भी चुके हैं और कुछ एडिशनल हैं जिनका अभी तक अपडेट आना बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 17 पोस्ट का हो चुका है, और ये जो अपडेट आप देख रहे हैं कि ये अपडेट जो है आपका 27 अप्रैल, उसके बाद कोई अपडेट इस रीजन से आए नहीं है। तो जो भी पोस्ट जिनका एडिशनल रिजल्ट हुआ था जल्दी इनका अपडेट मिलेगा, क्योंकि अभी फेज 9 का रिजल्ट आने वाला है तो जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई फेज 8 की। बस कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो इसके लिए आप लोग जुड़े रहे, क्योंकि मैं जो भी रिलेवेंट अपडेट आती है मैं तुरंत शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी।
एमपीआर रीजन की बात करूं, 11 पोस्ट थे जिसमें से ये पोस्ट कैंसिल ही हो चुके हैं, चार पांच पोस्ट बचे थे उसमें से। अभी आप देख सकते हैं एक का 31 को, एक का 25 मई को फाइनल लिस्ट आ चुकी है, बस इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आना बाकी है। आप देख सकते हैं जो 1120 है, 1120 हाँ और 1080, इसका पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लेकिन कुछ कैंडिडेट्स कम पड़े थे तो इन्होंने एडिशनल रिजल्ट पब्लिश कर लिया था। अभी तक फाइनल रिजल्ट किसी का भी नहीं दिया हुआ है। अगर मैं सेंट्रल रीजन की बात करूं, 27 पोस्ट थे, आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट हैं, लगभग 6 पोस्ट हैं, इनका एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है, इनका एडिशनल रिजल्ट आ भी चुका है। और स्क्रूट फाइनल स्क्रूटनी की बात करूं तो इतने पोस्ट का फाइनल स्क्रूटनी हो चुका है। और आपका कोई पोस्ट हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, डिटेल चेक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं, लगभग 15 पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, 9 मई तक का अपडेट है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और उसके बाद ये 27 अप्रैल को एक साथ 9 पोस्ट का रिजल्ट आया था और 2 पोस्ट का 2-3 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था, तो लगभग 11 पोस्ट का रिजल्ट भी दे दिया है उन्होंने, कितने में से 27 पोस्ट में से, क्योंकि एक पोस्ट इनकी कैंसिल भी हो गई है। ठीक, तो ये ओवरऑल स्टेटस है इस रीजन का। अगर मैं एनडब्ल्यूआर रीजन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ पोस्ट हैं, लगभग 5 पोस्ट जिनका एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ था, जिसमें से इस पोस्ट का एडिशनल रिजल्ट अभी नहीं आया है और जल्दी मिल जाएगा ये। ठीक है, जैसे ही आएगा मैं अपडेट शेयर कर दूंगा। फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आप देख सकते हैं 9 पोस्ट का आ चुका है, 9 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अभी जो है ये एक बड़ा पोस्ट है NW11720, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा है, 17 जून तक आई थिंक ये चलेगा। और कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड गाइज आप लोगों को एक लिस्ट दिया था जिसमें सभी कैंडिडेट के नाम थे, वही आपका स्पेसिमेन था एडमिट कार्ड का, अलग से कोई एडमिट कार्ड इसमें इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि और रीजन में भी हो, एक पोस्ट का आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। अगर मैं एनआर रीजन की बात करूं, 89 पोस्ट थे, 89 पोस्ट में से आप देखें एक पोस्ट ये कैंसिल हुआ और 1, 2, 3, 4 पोस्ट ऐसे हैं जिनका अभी तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, बाकी अभी 88 और 84 पोस्ट का अपडेट आ चुका है। फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट की बात करूं तो पहले लगभग 12 पोस्ट का जो है आपका अपडेट आया था, 29 अप्रैल का प्रॉक्स ये जो 12 पोस्ट थे इनका अपडेट आया था और जस्ट साथ में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी दे दिया था। और अब जो है ये कुछ और पोस्ट है, लगभग 11 पोस्ट इनका कल ही अपडेट आया था जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक 9 तारीख से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो यही पोस्ट एनआर रीजन सबसे अच्छा क्या कर रहा है, ये क्या है एक साथ लेके चल रहा है, पहले 11 पोस्ट दे दिया और जस्ट बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया 12, अभी 11 पोस्ट और दे दिया जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कर दिया, तो 20 के बाद आपको फिर से कुछ पोस्ट का रिजल्ट मिलने वाला है जिनका हाल के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। तो हर एक रिलेवेंट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और अब हम बात करें फेज 9 का, तो फेज 9 का गाइज इस महीने डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक इसका रिजल्ट मिल सकता है और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि उसका भी अपडेट स्टार्ट हो जाएगा, ये स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फेज 8 पूरी तरह से मैंने देखा है, हर एक छोटी सी छोटी चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ऐसे फेज 9 में हम करेंगे, फेज 10 में हम करेंगे, और CHSL हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, हर एक जरूरी चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बड़ा एफर्ट लगता है दोस्तों चीजें कलेक्ट करने में और आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।